हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के सोशल साइंस में मस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आने वाले 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो यदि आप भी 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि इस चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह का यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं न्यू पैटर्न पर, तो गूगल पर सर्च कीजिएगा studybit.in, और इस वेबसाइट का लिंक नीचे भी दिया गया है, वहां पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। क्या हुआ था? तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए उद्योगपतियों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी श्रमिकों पर, ऑप्शन डी है किसानों पर। क्या हो जाएगा इसमें आपका? तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था तो किसानों पर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसमें हो जाएगा आपका M.N. Roy। क्या हो जाएगा आपका? M.N. Roy, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. Roy ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी है 1764 में, ऑप्शन सी है 1786 में, ऑप्शन डी है 1857 में। तो पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? 1786 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ऑप्शन है यूरेनियम, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है कोयला। क्या हो जाएगा इसमें आपका? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा कृषि ही है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है कि भारत मेरा क्या है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि पर ही पूरा अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उड़ीसा। क्या हो जाएगा इसमें आपका? सिंदरी कहाँ पे स्थित है? तो इसमें हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या क्या है? भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? 22 है। कितना है भाषाओं की संख्या? कितना है आपका? 22 है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का क्या नाम है? यानी पूरा देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए भारतीय लोकसभा, ऑप्शन बी है भारतीय संसद, ऑप्शन सी है भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा इसमें आपका? संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या हो जाएगा इसमें आपका? भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? उपयुक्त सभी, यानी स्वास्थ्य सेवाएं भी, आवास भी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन है उदारीकरण, ऑप्शन बी है निजीकरण, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसमें आपका? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो किसे आपका? सभी, यानी उदारीकरण भी, निजीकरण भी, वैश्वीकरण भी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद,
ऑप्शन सी है खेरा, ऑप्शन डी है चंपारण। क्या हो जाएगा इसमें आपका? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? क्या हो जाएगा इसमें आपका? सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसमें आपका? दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता यानी कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1954 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1960 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1946 ईस्वी में। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है क्यूबा। क्या हो जाएगा इसमें आपका? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? क्या हो जाएगा आपका? रूस में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्या हो जाएगा इसमें आपका? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीएस नायपाल कौन थे? बीएस नायपाल कौन थे? तो ऑप्शन ए नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑप्शन बी है व्यापारी, ऑप्शन सी है मजदूर नेता, ऑप्शन डी है इंजीनियर। क्या हो जाएगा इसमें आपका? बीएस नायपाल कौन थे? तो क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार विजेता। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है यानी तोहफा है? तो किसने कहा था? यानी मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? क्या हो जाएगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा? जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या हो जाएगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 20वां क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ये सबको पता होगा फ्रेंड्स, क्या किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कहाँ पे है? हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है यानी स्थित है? क्या हो जाएगा इसमें आपका? यानी भागलपुर में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उम्मीद करते हो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।